हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सबके? ऑल गुड। नवंबर एग्जाम्स के लिए अब सिर्फ हमारे पास 40 दिन बचे हैं और इन 40 दिनों के अंदर हम लोगों को बहुत अच्छे से अपनी प्लानिंग करनी है। और एक बार अगर हम लोग बड़े अच्छे तरीके से प्लान करके पढ़ाई करेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि वी ऑल विल सक्सीड इन आर एंडेवर, इन आर एफर्ट्स फॉर नवंबर एग्जामिनेशन। एक मैंने प्रोवर्ब कह लीजिए, एक लाइन कह लीजिए, एक फ्रेज कह लीजिए, जो कि मैंने पढ़ा है और मैं उसको बड़े फॉर्मली बिलीव करता हूँ, और वो ये है दैट प्लान योर वर्क, वर्क ऑन योर प्लान एंड योर प्लान विल वर्क। तो अगर आप इस फ्रेज के ऊपर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप डेफिनेटली बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे नवंबर 2019 अपने एग्जामिनेशंस के लिए। और मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ थोड़ी सी आपकी मदद करने के लिए। पूरे सिलेबस का एक बार एबीसी एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि इस एबीसी एनालिसिस के अंदर हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, वो सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, मेरे को पढ़ाते हुए 17 ईयर्स हो चुके हैं, 17 साल आई हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड रैंक्स। अगर हम 2018 की बात करें तो 3 रैंक्स, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, एंड देन 2019 के अंदर मई एग्जामिनेशन वी अगेन हैड थर्ड रैंक, ऑल ओवर इंडिया थर्ड रैंक। तो ये जो रैंक होल्डर्स हैं, इनका एक्सपीरियंस यूज किया, कुछ अपनी तरह से मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यूडेशन किया, और मैं पूरे सिलेबस का एक एबीसी एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये एबीसी एनालिसिस आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा। इस एबीसी एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने ये सीखना है, ये देखना है कि कौन से चैप्टर को हम लोग कितने अच्छे तरीके से करें, कौन से चैप्टर को हम लोग कैसे करें जिसकी वजह से हमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिल पाए, और वही मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके पास पूरा सिलेबस है। अगर आप सबको ये वाली हैंडआउट्स अगर आपको चाहिए सबको, तो एक बार मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा 8010921000। इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप भेजिए और व्हाट्सएप पे लिखिएगा एबीसी एनालिसिस, और जैसे ही आपने एबीसी एनालिसिस व्हाट्सएप के ऊपर लिख के मेरे को भेजा, ये वाली फाइल ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, और उसके बाद फिर आप इसको फाइल को देखते हुए, वीडियो को देखते हुए साथ साथ में ये कैटेगरीज बना सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, ये एबीसी एनालिसिस किस चीज का है, क्या कहता है। मेरे बच्चे, आप लोग सब याद करो, आपने कॉस्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ा है, और कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में आपने एक चैप्टर पढ़ा है मेटीरियल या मटेरियल्स, कुछ भी कह लीजिए आप, और मटेरियल्स के इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ए बी सी के बारे में पढ़ा होगा। ए कैटेगरी के अंदर हम वो सारे गुड्स रखते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन एट द सेम टाइम उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। इसी प्रकार से बी कैटेगरी के अंदर हम लोग रखते हैं ऐसे गुड्स जिनकी वैल्यू और जिनकी क्वांटिटी दोनों ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, और इसी प्रकार से हम लोग सी कैटेगरी के अंदर रखते हैं वो जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है लेकिन जिसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम है। तो एबीसी एनालिसिस में कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में हम लोग ऐसे करते हैं। तो मैं यहां पे पूरे इनकम टैक्स के सब्जेक्ट का और जीएसटी के सब्जेक्ट का पूरा एबीसी एनालिसिस कर रहा हूं, गिविंग यू द आइडिया कि कौन से चैप्टर के लिए आपको किस हिसाब से फोकस करना है, ध्यान लगाना है। स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स में हम लोग स्टार्ट करें, सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आता है बेसिक इंट्रोडक्शंस का और डेफिनेशंस का। मैं कहूंगा कि आप इसको सी कैटेगरी में रखिएगा, ये सी कैटेगरी में आएगा जहां पे इसमें कंटेंट बहुत सारा है, बहुत सारी डिफरेंशियल है, इंडिया, पर्सन, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शन केसेस हैं, 5 एक्सेप्शन केसेस आ जाते हैं, और इस प्रकार से तमाम और बहुत सारी चीजें, एसएससी की डिफिनेशन आ जाती है, टाइप ऑफ डेफिनेशन मैंने क्लास में करवाया आप लोगों को, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। एक बहुत बड़ा चैप्टर, सिर्फ पहले चैप्टर के अंदर आई रिमेंबर कि मैंने 2.5 आवर्स की 5 से 7 क्लासेस लगाई हैं, अलग अलग बैचेस के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ क्लासेस लग जाती हैं,
तो ये बहुत ज्यादा लंबा है, लेकिन एग्जाम में इसके आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कम रहती है। यही बात मैंने हमेशा अपनी क्लास के अंदर भी बोली है कि इसको करो, बहुत अच्छे से करो, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना करते हुए सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करो। इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर मैं इसको बी कैटेगरी में रखूंगा। इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चंस होंगे आप उनको थोड़ा सा अगर हल्के में भी करोगे तो आपका काम चलेगा। और चैप्टर भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा किसी को तंग करें, लेकिन हाँ इनकम टैक्स कैलकुलेशन आपने जरूर करके जाना है, इसके पीछे कारण है। आपका जो पहला चैप्टर आता है या पहला क्वेश्चन आता है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स का, उस असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स के क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे बहुत बार इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए कहता है, तो आपने वो जरूर करके जाना है। और साथ साथ में याद रखिएगा सेक्शन 112A, ये वाला सेक्शन तो आपने डेफिनेटली करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ए कैटेगरी में रख रहा हूं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टैक्स कैलकुलेशन। एग्रीकल्चर इनकम को मैं सी कैटेगरी में रखूंगा, इसमें से आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा थोड़ी सी कम बनी रहती है। एग्जामिनर जनरली इस चैप्टर के ऊपर फोकस नहीं करता है, बट देन कमिंग टू बिग 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 चैप्टर्स, सैलरी जरूर करना है ए कैटेगरी, सब कुछ करके जाना है सैलरी में, कुछ नहीं छोड़ना। एक छोटी सी छोटी लाइन भी अगर आपको इस चैप्टर में दिख रही है आपने उसको छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ के जाना। हाउस प्रॉपर्टी अगेन ए कैटेगरी में जाएगा। इनफैक्ट मैं अगर थोड़ा सा और एडवांटेज ले सकूं, अगर मैं थोड़ा सा और लिवरेज ले सकूं, एडवांटेज ले सकूं, तो मैं इसे बी कैटेगरी में रखूंगा। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंसी से नहीं आते, फुल फ्लेज क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी से आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा थोड़ी सी कम रहती है। अगर हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जामिनर कुछ पूछेगा तो जो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का जो पहला क्वेश्चन आता है उसके अंदर एग्जामिनर काफी कुछ कवर कर लेता है, इस वजह से अलग से यहां से एग्जामिनर कुछ पूछेगा इसके चांसेस हमेशा कम बने रहते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन हो जरूर 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 करके जा रहा है, इसका तो मतलब कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है भाई, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर दो टॉपिक्स आते हैं, एक आता है प्रिज्यूम्ड इनकम्स का, सेक्शन 44AD, ADA, 44AE, और दूसरा आता है पार्टनरशिप फॉर्म्स का, वो आपने जरूर करना है, उसको बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना है। कैपिटल गेन्स यहां से हमेशा अलग क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, और इस बार अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेक्शन 50C आपने इसके अंदर जरूर करके जाना है, 50C जरूर करके जाएगा, जहां पे वो 105% वाला कंसेप्ट है, वो 105% क्यों, 5% का क्या कंसेप्ट है, वो सारा हम लोगों ने टॉपिक क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है। साथ साथ में सेक्शन 112 में शेयर्स के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना आपने। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में गिफ्ट के पॉइंट को अगर मैं छोड़ दूं तो उसके अलावा मैं पूरे का पूरा चैप्टर सी कैटेगरी में रखूंगा। चैप्टर काफी है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, डिविडेंड स्ट्रिपिंग है, बोनस स्ट्रिपिंग है, इसके अलावा और बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक्स आ जाते हैं। 56, 57, 58 तीन सेक्शंस हैं। डीम डिविडेंड के अंदर अमेंडमेंट है इस बार का, वो है, बहुत कुछ है, लेकिन एग्जामिनर कुछ पूछेगा इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कम बनी रहती है। बस इसके अंदर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो दो टॉपिक्स के ऊपर लगा दीजिएगा, एक मैं बोलूंगा डीडी दैट इज योर डीम डिविडेंड, और दूसरा मैं बोलूंगा गिफ्ट। इन दो टॉपिक को कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये चैप्टर लगभग आपका हो जाता है। इसके अलावा कुछ एग्जामिनर यहां से पूछे प्रोबेबिलिटीज हमेशा कम है, इस वजह से सी कैटेगरी में रखा है। क्लबिंग ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं छोड़ना जी, हमेशा करके जाना है। क्लबिंग ऑफ इनकम मैं बी कैटेगरी में रखूंगा। अक्सर एग्जामिनर यहां से सेपरेट क्वेश्चंस, फुल फ्लेज सेपरेट क्वेश्चंस पूछ लेता है। एग्जामिनर का एक सबसे फेवरेट एरिया है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, जरूर करके जाना है। ए कैटेगरी में मैं इसे रखता हूं हमेशा, और बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे लेवल के एग्जामिनर यहां से क्वेश्चंस पूछेगा, आप इसको बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से हल्के में नहीं कर सकते हैं। डिडक्शंस का चैप्टर ए कैटेगरी में, क्योंकि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन के टॉपिक्स होंगे, और डिडक्शंस तो पक्का होगा, डिडक्शंस तो पक्का ही पक्का होगा। इस बार ध्यान रखिएगा 80 TTB वाला जो सेक्शन है, जो सीनियर सिटीजन का सेक्शन है, जरूर करके जाएगा, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा। इसके अलावा भी पूरा चैप्टर आपने करना है, कुछ नहीं छोड़ना।
80G। 80G से रिलेटेड आपको बता देता हूं, 80G से रिलेटेड एक सेपरेट अलग वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा। लगभग एक घंटे का वो वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया कि 80G की कैलकुलेशंस आपने किस प्रकार से करनी है। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े से अपसेट रहते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी कैटेगरी में रखे, उसमें 100% डिडक्शन मिलेगा, 50% मिलेगा, कब लिमिट लगेगा, कब लिमिट नहीं लगेगा, उस लिमिट को यूज कैसे करना है, सब कुछ। द टोटल एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 80G हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन दैट वीडियो वेरी ब्यूटीफुली, एंड मैं मान के चल रहा हूं कि वो आपको बहुत 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 हेल्प करेगा, तो वो वीडियो देखिएगा। तो 80G आपने जरूर करके जाना है डिडक्शंस के चैप्टर में। एग्जेम्प्टेड इनकम्स को सी में रखिए। सेपरेट क्वेश्चन यहां से आएगा, चांसेस कम है, लेकिन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का जो पहला क्वेश्चन आता है उसके अंदर एक दो पॉइंट्स एग्जामिनर डालेगा, वो डाल सकता है। डिविडेंड का पॉइंट जरूर करके जाएगा, डिविडेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर, जहां पे डिविडेंड में कब एग्जेम्पशंस है कब नहीं है, सेक्शन 1034, सेक्शन 115 BBDA, वो सारी की सारी चीजें आपने जरूर करके जानी है। इनकम टैक्स रिटर्न आउटपुट इन सी कैटेगरी क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आते, लेकिन प्रोबेबिलिटीज हमेशा कम रहती है। TDS ए कैटेगरी, भाई साहब बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते TDS को, कभी हल्के में नहीं ले सकते, फुल फ्लज क्वेश्चंस आते हैं यहां से, जरूर करना। कैटेगरी 1A में रखना, रिवीजन के टाइम जब आपके पास होगा तो पूरी कैटेगरी ए आपने करके जानी है, पहले आपने कैटेगरी ए करना है, उसके बाद कुछ टाइम अगर आपके पास है तो बी पे आइए और लास्ट में आप सी पे जाइए। करना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रायोरिटीज हम लोग यहां पे सेट करें कि क्या प्रायोरिटीज अपनी रखनी है। एडवांस टैक्स मैं सी में रखूंगा, जनरली एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता यहां से। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल तो बार बार कैटेगरी ए में आएगा ही आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के आता है, तो अपने क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। मेरी एक किताब है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है प्रोडिजी, जिसको दुनिया स्कैनर के नाम से बुलाती है, तो इसके अंदर मैंने आपको पिछले 15 सालों के असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर कभी मौका मिले ये वाली बुक जरूर देखिएगा, एंड यू विल फील रियली हैप्पी आफ्टर हैविंग दैट बुक इन योर हैंड। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसकी वेटेज 40 नंबर की है, इसके अंदर भी ABC एनालिसिस करेंगे। पहला चैप्टर जो मैं अपनी किताब में हमेशा देता हूं वो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ GST। GST क्यों आया, 2017 में GST क्यों आया, उससे पहले क्या पोजीशन थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या स्टेटस था उससे पहले, और 2017 में GST आने के बाद पुराने टैक्सेस का क्या हुआ, GST कैसे आया, क्या क्या उसके क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स रहे, वो सब कुछ आपको दिया हुआ है चैप्टर ए के अंदर। सी कैटेगरी में एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा, आई डू नॉट बिलीव कि एग्जामिनर पूछेगा, बट स्टिल एक बार इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताइए GST के अंदर कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, तो वो टॉपिक, वो क्वेश्चन एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 का है, तो आप उस सेंस में इसको जरूर देखिएगा। सी कैटेगरी में रखा। चार्जेबिलिटी, चार्जेबिलिटी के अंदर बेसिकली हम लोग सेक्शन 9 कवर करते हैं कि भाई कब GST लग रहा है, कब इंट्रा स्टेट है, कब इंटर स्टेट है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग है, और उसके साथ साथ में इसके अंदर RCM है। अब क्योंकि RCM को है, इस वजह से मैं इसको सी कैटेगरी में ही डाल दूंगा, क्योंकि RCM से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी अगेन थोड़ी सी कम बनी रहती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, RCM कम आता है, और अगर इस चैप्टर में कुछ करके जाना है तो सिर्फ RCM कर जाना, ओनली RCM, बाकी के टॉपिक्स अगर आप स्किप कर देंगे आपका काम चल जाएगा। सप्लाई बी कैटेगरी में रखूंगा, इस बार सप्लाई से आने के चांसेस हैं, क्योंकि सप्लाई में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं इस बार, इस वजह से इसे छोड़ना नहीं है, हालांकि पूरे सिलेबस में कुछ नहीं छोड़ना, स्टिल इसे हम लोग प्रायोरिटी नंबर 2 पर रखेंगे, जरूर करके रहेंगे। एग्जम्पशंस ऑलवेज कैटेगरी ए, मतलब ही नहीं बनता भाई कुछ और, मतलब ही नहीं बनता, कैटेगरी ए में आपने रखना ही रखना है इसको। एग्जेम्पशंस अंडर GST वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए रहेगा एग्जाम के अंदर, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन यहां से आते हैं, और इस बार तो एग्जेम्पशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हैं, एग्जाम में आएगी आएंगे वो अमेंडमेंट्स, इसकी प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। वैल्यू ऑफ द सप्लाई करके जाना है कैटेगरी ए, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन वैल्यू में से पूछा जाता है, जहां पे सेक्शन नंबर 15-2, 15-3 यहां पूछा जाता है। CMA वाले स्टूडेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए तो वैल्यूएशन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
सीए के स्टूडेंट्स के लिए वैल्यूएशन रूल सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन सीए में और कंपनी सेक्रेटरी वाले स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाएगा वैल्यूएशन रूल्स। मैंने वैल्यूएशन रूल्स की अलग से आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करी हैं। उसके अलावा कॉम्पोजिशन स्कीम डेफिनेटली भाई इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर अमेंडमेंट्स है कॉम्पोजिशन स्कीम में, खासतौर पर कॉम्पोजिशन स्कीम जो सर्विसेज वालों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया इस बार, वो तो जरूर करके जाना है, उसको आपने नहीं छोड़ना। कंडीशंस सारी याद करके जानी है, जीएसटी रेट याद करके जाना है, वो 10% और 5 लाख वाला जो कंसेप्ट आया वो आपने जरूर करके जाना है, नहीं छोड़ना, एग्जाम में पक्का 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 आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई मैं बी कैटेगरी में रखूंगा, यस क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि क्वेश्चंस नहीं आते, यहां से डेफिनेटली आते हैं। इस बार एक बहुत माइन्यूट साइज के अंदर अमेंडमेंट भी है, वो देखिएगा। और साथ साथ में सभी स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, मैंने SIR का कंसेप्ट करवाया है, वेयर एस सप्लाइज फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आई स्टैंड फॉर रिसीव ऑफ द इनवॉइस एंड आर स्टैंड फॉर रिसीविंग द पेमेंट। तो SIR का जो कंसेप्ट लिखवाया था, ऊपर पहले आप SIR लिखिए, SIR लिखने के बाद नीचे उनके डेट्स लिखिए, और फिर वो एरोस बना के जो कंपैरिजन था वो देखिएगा रिवीजन के टाइम पे, वो बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। SIR का कंसेप्ट, सर का कंसेप्ट, एंड दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल इन योर एग्जामिनेशन। ITC, ओ हो, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पक्का 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 क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम में, एंड खास तौर पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जो ITC ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड है, वो तो पक्का आएगा एग्जाम में, छोड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता। बल्कि मैं ये बोलूंगा, जब हम GST करें तो सबसे पहला टॉपिक ही ITC का उठा ले, ये इतना भयंकर है और इतना भारी टॉपिक है। पेमेंट ऑफ GST, अगेन पेमेंट ऑफ GST के अंदर रूल 88A इस बार नया आया, कौन से सीक्वेंस में आपने सेटअप करना है, सबसे पहले IGST का इनपुट आपने खपत करनी है, खपाना है उसे, एक बार इनपुट IGST कंप्लीट होगा उसके बाद ही CGST का इनपुट और SGST का इनपुट आप ले सकते हैं। रूल 88A बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से पक्का आएगा कैटेगरी ए। रजिस्ट्रेशन, इस बार रजिस्ट्रेशन के अंदर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 के अंदर अमेंडमेंट है, 40 लाख रुपए वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, कैटेगरी ए में रखूंगा, पक्का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, केस स्टडी बना के पूछेगा कि कब 40 लाख, कब 20 लाख और कब 10 लाख, नहीं छोड़ना, करके जाना है। इनवॉइस सी कैटेगरी में डाल दो, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, ईवे बिल सी में डाल दीजिए, फाइलिंग ऑफ रिटर्न सी में डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप अपना ABC एनालिसिस कीजिए, ए बीइंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी मैं रिपीट कर देता हूं, ए बीइंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, सी इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि आपने कुछ छोड़ना है, आपने सब कुछ करके जाना है, ठीक। अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी तरह के कोई डाउट्स रहते हैं, आप उन डाउट्स को सॉल्व करवाने के लिए या करने के लिए आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लीजिए, ये स्कैन कोड लगा हुआ है, स्कैन कीजिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप आएंगे, एंड आई प्रॉमिस यू आपको बहुत बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। मैं पर्सनली हर 2 या 3 दिन के बाद अपने सभी स्टूडेंट्स को वॉइस मैसेजेस बना बना के एक एक पॉइंट का, डाउट का मैं जवाब देता रहता हूं। दिस वॉज फॉर टूडे फ्रॉम माई साइड फॉर द ABC एनालिसिस ऑन द स्टूडेंट्स डिमांड। Love you, bye bye, enjoy yourself, best of luck to all of you, work hard, study hard, and I'll be there for you people for each and every doubt. Bye bye.